छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। घोघरी में चक्का जाम 5 घंटे से जारी। सड़क के बीचों बीच हड़तालियों ने किया खाना बनाने की तैयारी। सड़क के बीचों बीच बनाया गया चूल्हा। एसडीएम व आला अधिकारी ने हड़तालियों को मनाने की किया कोशिश हुआ नाकाम। हड़ताली मांग पर अड़े। पूरी वीडियो देखिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में चैनल हेड योगेश के साथ। सुबह 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर विभिन्न मांगों को लेकर तीन प्रमुख मांगों को लेकर आज चक्का जाम पर बैठी है। लेकिन बहुत तकलीफ और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन शासन का कोई भी एक अधिकृत प्रतिनिधित्व करने यहां पर आया नहीं, न पूछा कि भाई आपने चक्का जाम क्यों किया हुआ है, आपकी क्या मांगे हैं, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी आवश्यकता थी कि आपको चक्का जाम करने की नौबत आ गई। संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील प्रशासन है, शासन का राजनीतिकरण कर दिया गया है। जब से ये सरकार, कांग्रेस सरकार इस छत्तीसगढ़ में इस शांति वाले टापू पर आई है, तब से पूरे प्रदेश में जगह जगह भ्रष्टाचार और लोगों के साथ अन्याय ये कांग्रेस की सरकार करते आ रही है। घोघरी के क्षेत्रवासी पिछले कई वर्षों से एक अच्छी सड़क के लिए और जो एक बसंतपुर बरभाटा पुल के लिए और यहाँ पर एक इतना बड़ा गांव होने के बावजूद यहाँ पर मिडिल स्कूल तक की ही शिक्षा यहाँ पर संचालित है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मांग वर्षों से कर रही है। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, ना ही सरकार ने इन और ग्रामीणों का ध्यान दिया। मजबूरन आज ग्रामवासियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम कर रही है। चक्का जाम में बैठे हुए हैं और हमारी तीन चीज़ों की मांग है। एक तो घोघरी देगांव जो रोड है उस रोड को मरम्मत हो, उस रोड को दोबारा बनाया जाए और बरभाटा का पुल निर्माण किया जाए जो भूपेश बघेल द्वारा घोषणा किया गया था। और यहाँ विगत पहले जब 12वीं तक कक्षा चल रही थी उसको बंद कर दिए गए हैं, उसकी मांगों को लेकर आज घोघरी में चक्का जाम किए गए हैं। और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है और जब तक हमको शासन प्रशासन द्वारा लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक हम संकल्प लिए हैं कि जनताओं के साथ बैठे रहेंगे और हम यहां से उठेंगे नहीं। खत्म हो रहे हैं युवा मोर्चा के सत्र काम हो रहे हैं और साथ में हमारी स्थानीय समस्याएं भी हैं। प्रमुख इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कैमरा को आप देखेंगे और दाहिने साइड में कई बच्चियाँ बैठी हैं और कई निर्धार बैठे हैं। बच्चों की समस्या ये है कि यहाँ पर जो शिक्षा में व्यवस्था थी यहाँ पर 12वीं तक की व्यवस्था थी, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर सिर्फ 8वीं तक की शिक्षा व्यवस्था दी है। हमारी मांग है कि हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था हल किया जाए। दूसरी बात, जो सड़क पर बैठे हैं ये सड़क इतना जर्जर हो गया है, इधर आप देखेंगे जो गाँव है वहाँ पुल टूटा हुआ है, कई घटनाएं हो गई हैं, लेकिन यहाँ की निकम्मी कांग्रेस सरकार आज तक उस पुल का मरम्मत नहीं करा पाई है। ये सब विषयों को लेकर आज हम स्थानीय लोगों के साथ में और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाम धरने पर बैठे हुए हैं। आपको ये बता दूं, हमको बैठे हुए 4.5 घंटा हो गया है, हमारे साथ यहाँ पर पुलिस लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको फुर्सत नहीं मिली है कि हमसे आके बात करें कि आपकी समस्या क्या है, हम इसके लिए शासन को अवगत कराते हैं। ये इतनी निकम्मी सरकार है, यहाँ इतने निकम्मे यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ इतने संवेदनशील अधिकारी हैं, अभी तक इनको ये तक हमसे आके चर्चा करते बात करते और हमें कुछ आश्वासन देते, यही इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नाम चले चक्का जाम। ये भारतीय जनता पार्टी के बिना शब्द जरूर है, लेकिन क्षेत्र की जनता की ये गंभीर समस्या की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है। जैसे कि आए दिन देगांव के पास, आठा गांव के पास सड़क टूट चुका है और हमारे स्कूली बच्चे से लेकर के आम लोग मौत के घाट पर उतरते रहते हैं। इसके लिए शासन को, स्थानीय विधायक केशव चंद्रा को कई बार मांग किया गया,
और इसके पहले भी 3 महीना पहले इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर के साथ पद यात्रा के साथ जो है आंदोलन की थी और आश्वासन भी मिला था कि मतलब बहुत जल्दी इसको बना दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बरभाठा की पुल इतनी कम चौड़ी है कि कभी भी गाड़ी वहाँ पे गिरता है। इसको बनाने के लिए तीसरा जो है यहाँ पे गोघरी में जो हाईवे संचालित था उसको बंद कर दिया गया। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में बहुत सारे गंभीर समस्या है। रनकोटा से आपका बरघट्टी सड़क जर्जर है, दरियरा से आपका मिरौनी सड़क जर्जर है, अतिरिक्त मुड़पार अतिरिक्तकाली पुल सेंक्शन हुआ है, नरियरा से धमनी मुआवजा सहित हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेंक्शन किया था, किंतु यह सरकार जो है भ्रष्टाचार करने में माहिर है और किसी भी प्रकार की विकास नहीं करती। इस बात को लेकर के क्षेत्र की जनता के साथ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी।